लखनऊ से हमारे साथ उषा। स्वागत है उषा आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी बताइए। नमस्कार। मेरे बेटे का 20 सप्ताह है, उसके बाल झड़ रहे हैं आगे से, मांसे से ऊंचे हो, सफेद बाल हो रहे हैं। 20 साल है उम्र? हाँ 20 साल है। अच्छा, नजले का शिकार है क्या वो? नहीं, उसको थोड़ी सी एलर्जी है, कुछ भी होता है सुबह के समय, कभी भी छींकें आ जाती है, जैसे नाक में कुछ हुआ, छींकें आने लगती है। ठीक है, मैं यही समझना चाह रहा था, जिनको भी एलर्जी होती है छींके या खांसी या बलगम या छींके, ये एलर्जिकल अस्थमा की तरफ हमें ले जाते हैं, और जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं उनका इलाज मुमकिन नहीं है बगैर एलर्जी का इलाज किए हुए। तो इसके लिए घरेलू इलाज तो बहुत बताता हूँ मैं, दवा भी बता देता हूँ आपको, ये इनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। इम्यूनिटी की बहुत अच्छी दवा है और सब लोगों को आज इसकी ज़रूरत है, और वो ये है कि या तो माजून आरकेयर सुबह शाम गर्म पानी से लें और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, बाज़ार का खाना छोड़ दें, ये उनके लिए ज़रूरी है कि खट्टी चीज़ें छोड़ दें और 5 महीने तक इलाज करें। और ये नस्खा आप लिख लें कि एक चीज़ आती है उन्नाब, उन्नाब एक लाल सा बेर होता है जो ईरानी बेर कहलाता है, उन्नाब। तो उन्नाब ले लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम निचोड़ा, ये 100-100 ग्राम तीनों चीज़ें लेकर 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाकर बहुत बारीक पाउडर बना लें अपने घर में, पिसावा कुछ भी न लें, और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम बच्चे को गर्म पानी के साथ दिया करें तो फायदा होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है गौरव, पटना से हमारे साथ। स्वागत है गौरव आपका। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी आदाब। जी सर, सर मुझे कब्ज और गैस का प्रॉब्लम है। ठीक। अच्छा देखिए, मामूली सा जो होता है वो तो कोई बात नहीं, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए नुस्खा बता रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वो बड़ा अच्छा नुस्खा है। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, लिख लीजिए, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और नमक कलौंजी, कलौंजी का एक नमक आता है जिसे एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, ये ज़रूर लें, और ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लें, और शर्त यह है कि आप घर में इसको पाउडर बनाएंगे, बाज़ार से पिसावा नहीं लेंगे, हर चीज़ आपको ओरिजिनल चाहिए, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि आप जितने भी रॉ मटेरियल यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो बहुत आराम से मिल जाएंगी, चाहे वो धनिया हो, सौंफ हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें असली नकली में पहचान होनी बहुत मुश्किल है, जैसे कि वो गौन सिया हो, गौन मोरिंगा हो, या फिर आप बताते हैं जैतून का सिरका एक, तो अगर किसी भी दर्शक को कहीं भटकना ना पड़े, आपकी कंपनी से वो मंगवाना चाहे तो कब तक उसको मिल सकता है? देखिए, हमारी कंपनी से लोगों को शिकायत हो जाती है जी कि बहुत लेट कर देते हैं, लेट हम कर देते हैं, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन जब भी हम आपको देंगे, किसी को 15 दिन हो जाते हैं, किसी को 1 महीना भी हो जाता है, जब भी हम देंगे आपको, अगर हम देंगे तो असली देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, और नकली चीज़ तो भरी पड़ी है मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जब फ़ायदा नहीं है तो असली के लिए थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर है। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप हमारी कंपनी से संपर्क साध सकते हैं, यानी कि आप अतिया हर्ब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ असली रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर लगातार आप लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं, कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से, हमारे साथ दिलीप हैं रायपुर से। स्वागत है दिलीप आपका। हाँ जी, मुझे हकीम साहब से पूछना है पेट पूरी तरह कैसे साफ होता है। जी क्या होता है? पेट पूरी तरह साफ कैसे होता है, क्योंकि मेरी उम्र 45 है, कभी कभी कब्ज रहता है पेट में। जी ठीक है। अच्छा देखिए,
पेट तो बहुत सारी चीज़ों से साफ हो सकता है, अगर एक बार करना है तो एलोपैथ में भी दवाएं हैं, इसमें भी हैं, यूनानी में भी हैं, लेकिन ये सब दवाएं नुकसान देती हैं। जो एक बार में पेट साफ करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपने पेट का सिस्टम ठीक कर लें कि हमेशा पेट साफ होता रहे। और उसके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा, अभी आप अगर चैनल देख रहे थे तो मैंने बताया भी था कि सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा और धनिया, ये पांच चीज़ें, और ये पाउडर घर में ही बना है, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा और धनिया, और 100 ग्राम, ये सब 100-100 ग्राम लेना है, और 100 ग्राम कलौंजी का एस्टेक आता है, एस्टेक कलौंजी कह दीजिए या नमक कलौंजी कह दीजिए, हम लोग नमक कलौंजी इसलिए कहते हैं, हमारे व्यूवर्स भोले भाले से हैं तो वो आसानी से समझ जाते हैं, कलौंजी का एस्टेक, इन सबको 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं घर में, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, छोटा चाय का चम्मच, पानी से लिया करें, आपका पेट से ताल्लुक़ रखने वाली हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। तो चलिए, आपको अगर पेट संबंधी कोई भी परेशानी थी तो अब आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, अब आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो ये घरेलू उपचार ज़रूर अपना लीजिएगा, क्योंकि आप ये उपचार अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलना है। दर्शकों, देखिए, सुनकर संतोष बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर आप लोग विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में कॉल करते हैं, हकीम साहब से आप लोग घरेलू नुस्खे जानते हैं तो सभी उपचार ज़रूर अपनाइएगा, फिर देखिएगा 2 से 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने आप लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? गांव विदेश सर है, जिला सिरसा से, पप्पूराम घाट बात कर रहा हूँ मैम जी। हाँ जी, बताइए, सवाल कीजिए। मैम जी, मेरे दाएं पग में कटक कटक की आवाज आती है मैम। दाएं पैर में? हाँ मैम जी। दर्द तो नहीं है? दर्द नहीं है सर जी। एज और बता दीजिए अपनी। एज मेरी 34 साल की। और बहुत कम उम्र है। ये जो पनवाड़ी है ना आपका, पानवान तो खाते होंगे ना, तो ये पनवाड़ी जो चूना की एक बोतल बेचता है ना 4-5 रुपए की, ये खरीद लीजिए, और इसमें से एक चावल के बराबर चूना एक गिलास दूध में मिला लिया करिए, और हफ्ते में एक बार पीजिए, आपको ठीक होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है शमशेर, पंजाब से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, बताइए। नमस्कार मैम, मेरे ना आधे सिर में दर्द रहता है, कान के ऊपर, आंखों जैसे आंख है ऊपर, आधे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और अचानक आता है और फिर थोड़ी देर ठहर के चला जाता है। ठीक है, तो जैसे कब्ज और गैस की भी मेरे को प्रॉब्लम रहती है, दवाई भी खास पर इसका कोई भी नहीं। आप अपनी एज बता दीजिए। 55। तो देखिए, इस उम्र में अगर हमारा पेट ख़राब हो तो हमारे पेट के बुखारात दिमाग को चढ़ते हैं, पेट ठीक कर लीजिए, सर अपना आप अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। ये अभी मैंने एक नुस्खा बताया था, ये बहुत नुस्खा बताता हूँ और करोड़ों लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसके फवायद जो हैं, इसके फ़ायदे जो हैं, वो लोगों को उसको बहुत इम्प्रेस करते हैं, बहुत मुतासिर करते हैं, और घर की चीज़ें सारी, एक चीज़ शायद बाहर से लेनी पड़ेगी, और वो ये है कि सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, और एक चीज़ ज़रा मुश्किल से मिलेगी, वो आप कोशिश करके लेना क्योंकि ये इसकी अहम चीज़ है, और कलौंजी का एस्टेक, कलौंजी का एस्टेक या नमक कलौंजी भी कहते हैं, 100-100 ग्राम सब ये लेके घर में पाउडर बनाएं, और एक चम्मच सुबह खा के दफ्तर जाया करें, और एक चम्मच आके दफ्तर से खा लिया करें खाने के बाद, आपको पेट का सिस्टम, पेट का निज़ाम इतना ज़बरदस्त, कब्ज़, गैस कैसी थी आप भूल भी सकते हैं कि गैस हुआ करती थी मुझे, और इससे सर दर्द का भी ठीक होना मुमकिन है।
जी। नेक्स्ट कॉलर है संजीव हमारे साथ, स्वागत है संजीव आपका। नमस्कार मैडम जी, बताइए। थोड़ा हकीम जी को आदाब, दो चीजें पूछनी थी अगर आपके पास समय हो तो। जी आदाब, बहुत कम वक्त है, तेजी से पूछिए। अच्छा, एक तो मेरा बेटा है 24 साल का ना, उसके पैरों में बहुत ज्यादा जलन रहती है और उसका थोड़ा पेट भी खराब रहता है। और दूसरा मेरा है, मेरी उम्र 55 साल है, मेरे ना पेट के नीचे जांघों में बड़ी खुजली सी रहती है, खासकर गर्मियों में और ये उमस के मौसम में। ठीक है, बेटे के लिए आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम गौंस्या एक रॉ मटेरियल है, कुछ दिन दीजिए, बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। आपके लिए एक चम्मच अलसी हल्की सी भुनी हुई और एक चुटकी खाने का सोडा रोज़ाना एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ रविंदर हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। आदाब। नमस्कार सर। आदाब सर। सर नमस्कार। आदाब सर। सर मेरा नाम हरविंदर सिंह जी है, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। सर जी मेरा एज सर 40 ईयर है सर। ठीक है जी। हाँ मैडम, मेरे घुटनों में दर्द रहता है सर, राइट और लेफ्ट में दोनों में सर जी। अच्छा देखिए, इसका मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने उससे अच्छी अपने जीवन में दवा नहीं देखी। एक रॉ मटेरियल है, अगर मिल जाता है पंजाब में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिल्ली में मिल जाता है, और वो है गौंस्या कहते हैं हम लोग, काला गौंद भी कहते हैं आसान जबान में। गौंस्या ले ले, रॉ मटेरियल ले लें, पिसा पिसा है मत लीजिए, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं, और आप देखेंगे कि आपको रोज़ाना थोड़ा फ़ायदा होता है, 8 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है। थोड़ा सब्र करना क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। अच्छा, कुछ लोगों को 1-2-4-6 दिन के लिए दर्द बढ़ जाता है, जैसे इस प्रोग्राम में भी कई कॉल आए, तो उनको भी नहीं घबराना चाहिए। जिसका बढ़ता है उसका भी ज़रूर फ़ायदा होता है, और जिसका कम होता है उसको भी ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन यूनानी से आप चाहे आपको एक ही महीने में फ़ायदा हो जाए, लेकिन उम्मीद ना रखें यूनानी से एक महीने में फ़ायदे की। किसी को जल्दी भी होता है, फ़ायदा होने के बावजूद 3-4 महीने आप दवा खाएं तो यूनानी में आना चाहिए। बेसब्रों का इसमें कोई वो नहीं हिस्सा, और किसी का दर्द बढ़ जाए तो शिकायत ना करें, ये अच्छी अलामत है कि उसका दर्द बढ़ रहा है, यानी यूनानी काम कर रही, दवा काम कर रही। आप उसे 2-4 दिन सब्र करें, अगर नहीं बर्दाश्त होता दर्द, ये बढ़ाती भी दर्द को 2-4 दिन के लिए, तो आप एलोपैथिक दवा इसके साथ में ले सकते हैं, तब आपका काम चल पाएगा। शिकायत ना करें बल्कि ये अमल करें तो आपको फायदा मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं गोविंद नागौर से हमारे साथ, स्वागत है गोविंद आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार, सवाल कीजिए। सवाल, मेरी उम्र है 57 साल। जी जी, 57 साल उम्र है और मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। अच्छा मैम देखिए, ये उम्र में शायद ही कोई ऐसा हो, वो शेर है ना कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। इस उम्र में दर्द होता है, 40 के बाद कभी भी हम बीमारियों के चपेट में आते हैं। अगर मुस्तकिल इलाज चाहिए, थोड़ा सब्र वाला होना, और रोज़ाना फ़ायदा तो आप कर ही रहे हैं, कभी दर्द की गोली खा ली, कभी नहीं खाई, रोज़ खानी पड़ती है, किसी को सालों खानी पड़ती है, किसी को महीनों, तो आप एक गौंद स्या आता है, रॉ मटेरियल है, वो 100-200 ग्राम खरीदें और आप आधा आधा ग्राम खाना शुरू करें सुबह शाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100-200 ग्राम गौंद जो लोग लें, और इनके ख़त्म होने तक आपको दर्द का फ़ायदा होना मुमकिन है। एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट दर्द वालों के घर में होना चाहिए, उम्र दराज लोग हैं उनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, और बहुत मेहनत ना करें। ये उम्र, मैं भी समझता हूँ मैं जवान हूँ आज तक, और कुछ भी कर डालता हूँ, लेकिन मुझे मालूमात है मैं किस तरह संभाल लेता हूँ, आप नहीं संभाल पाएंगे, तो आप ज़्यादा वज़न ना उठाएं, ज़्यादा काम ना करें, आराम करें, ऊपर वाले को याद करें और उसको राजी कर लें। मैं आपसे जानना चाहूंगी एक वो बहुत ही सटीक नुस्खा जो लोग अपना के अपने घर से बाहर निकलने को तैयार हो जाएं। जितना भी हो सके गर्म पानी पिए,
ये एक अच्छा नुस्खा है, कलौंजी का नमक मिलता है, एस्टेक कलौंजी, एक या दो चुटकी सुबह, एक या दो चुटकी शाम पानी से लिया करें, आपको हिफाजत मिल सकती है।